नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें। लोकल खबरें में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से रामकिशोर वर्मा की खास खबर पर आइए एक नजर डालते हैं। सपाइयों ने आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर का फूका पुतला, फांसी देने की रखी मांग। उन्नाव रेप पीड़िता के मामले को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। इस प्रकरण को लेकर जनपद मैनपुरी सहित कस्बा करहल, बेबर, भौगांव, कुरावली, घिरोर, किशनी, कुराबली में भी खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सपा की लोहिया वाहिनी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जनपद मैनपुरी के ईशन नदी तिराहे पर विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का पुतला फूका और उसके व सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। मामले के आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर को फांसी देने की मांग की गई। बहरहाल बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर का मामला पूरे प्रदेश में तूल पकड़ता नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर पर कार्रवाई करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है। आइए आपको बताते हैं सपा कार्यकर्ताओं का क्या मांग है इस विषय को लेकर। जो विधायक आरोपी हत्यारोपी जिसने पूरा परिवार नष्ट करी बलात्कारी, हम लोगों ने मांग की है उस बेटी को न्याय दिया जाए, कुलदीप सेंगर को फांसी दी जाए। अरे न्याय नहीं मिलता है तो क्या काम? न्याय नहीं मिलता तो ये आंदोलन रुकेगा नहीं, ये समाजवादी आंदोलन बहुत आगे तक जाएगा। ये आंदोलन ठहरने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है आंदोलन। ये पूरे मैनपुरी ही नहीं, पूरे देश का नौजवान उस रेप पीड़िता के साथ है। नौजवान सड़कों पे आ चुका है। ऐसे अत्याचारियों का अब कहीं सरकार बचा नहीं सकती है। हर हालत में बीजेपी सरकार हो चाहे कोई हो, उसे सजा देनी पड़ेगी। तुला हुआ है उस बलात्कारी विधायक का, हमने पुतला फूंका है और हम सरकार से मांग करते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा मिले, उसको फांसी मिले और रेप पीड़िता को न्याय मिले। तो आपका आंदोलन केवल पुतलों तक रहेगा या आगे कुछ करेगा? पुतलों तक है, आगे मेरा आंदोलन यह है कि समाजवादी पार्टी के जो उत्पीड़न हो रहा है सरकार के खिलाफ, आगे हम भूमिका बना रहे और हम सड़कों पर उतरेंगे और सरकार को हम जवाब देंगे।